नमस्कार दोस्तों, रियल लाइफ गाइड्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हाल ही में दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ग्रुप सी की वैकेंसी आई थी, तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपके लिए हिंदी लैंग्वेज और ग्रामर की प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन लाया हूँ। तो चलिए उन्हें सॉल्व करते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है विशेषण में बदलिए। तो हम गुलाब, हमें गुलाब का विशेषण बताना है। गुलाब कैसा होता है? ए गुलाबी, बी गुलशन, सी गुलकंद या डी गुलबहार। तो दोस्तों, सिंपल सा आंसर, इसका आंसर ए होता है, गुलाब गुलाबी ही होता है। सेकंड है लिंग बदलिए। बंदर का बताइए, बंदर का क्या लिंग होगा, क्या स्त्रीलिंग होगा बंदर का? तो दोस्तों, इसका सिंपल सा आंसर है सी बंदरिया। चलिए आगे चलते हैं, वचन बदलिए। भाला, भाला एक शस्त्र होता है, तो भाला का बहुवचन क्या होगा? तो इसका आंसर सिंपल सा है भाले, बी। चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ है वाक्य शुद्ध कीजिए। रोगी को काटकर सेब खिलाओ। ए है रोगी को सेब काटकर खिलाओ, बी है रोगी को खिलाओ सेब काटकर, सी है रोगी को सेब खिलाओ काटकर, डी है रोगी को खिलाओ काटकर सेब। तो इसका सिंपल सा आंसर ए होगा, रोगी को सेब काटकर खिलाओ। चलिए आगे चलते हैं। वाक्यांश को क्रम में लिखिए। पहला है तो उसमें तेल ही निकला, तेल ही तेल। दूसरा है घर आकर। तीसरा है जब मैंने बर्तन के ढक्कन को खोला। और डी है दिखाई दिया। अब इसको हमें सीरियल वाइज लिखना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आंसर इसका दूसरा आएगा, घर आकर। फिर तीसरा, जब मैंने बर्तन के ढक्कन को खोला। फिर पहला, तो उसमें तेल ही तेल। फिर फोर्थ, दिखाई दिया। तो इससे मिलता जुलता आंसर ए, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ ही लग रहा है। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका आंसर फर्स्ट ए ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। छठा, मुहावरे का अर्थ लिखिए। ऊँट के मुंह में जीरा, इसका ए है, आवश्यकता से बहुत कम, आवश्यकता से बहुत अधिक। आवश्यकता के अनुसार ऊँट को कम भोजन खिलाना। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऊँट बहुत बड़ा होता है और जीरा बहुत छोटा, चींटी जितना। तो ऊँट बहुत बड़ा और चींटी बहुत कम, तो इसका हम मिला सकते हैं, ज़्यादा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका आंसर होगा ए, आवश्यकता से बहुत कम। चलिए आगे चलते हैं। सेवन, समानार्थी शब्द लिखिए, यानी आप पर्यायवाची भी इसको कह सकते हैं। चतुर का समानार्थी शब्द क्या होगा? चतुर्थ, मन, चरम या चालाक। चतुर चालाक बोलते हैं हम अपने डेली लाइफ में, तो डी इसका आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। विशेषण में बदलिए। फिर से विशेषण आ गया, पहला भी यही था और आठवां भी यही है। गति का क्या होगा? गतिशील, गंतव्य, गमन और गबन। सिंपल सा है, गतिशील, गति, ए। चलिए आगे चलते हैं। समानार्थी शब्द, सातवां और नौवां दोनों एक ही है। समानार्थी शब्द बताइए। कुबेर, महाराजा कुबेर, धन के देवता कुबेर का क्या समानार्थी शब्द होगा? ए धनराज, बी न्यूनता, सी कुबेरी, ये तो कोई लग नहीं रहा, डी कृपालु। कृपालु तो दयालु होता है, जो शिव जी को बोलते हैं। तो इसका आंसर ए धनराज, धन के राजा, धनराज कुबेर, इसका आंसर ए सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। संधि विच्छेद कीजिए। पुस्तकालय, तो इसका आंसर सिंपल सा है, इसका आंसर ए होगा। पुस्तक यानी किताब, आलय यानी घर। आलय हम सबको पता होना चाहिए, आलय यानी घर होता है, पुस्तक का घर यानी लाइब्रेरी, पुस्तकालय, इसका आंसर ए है। इलेवेंथ क्वेश्चन में है विलोम शब्द लिखिए। ये थोड़ा ब्लर सा है। एकता का विलोम शब्द क्या होगा? एकल, एकातर, अनेकता, एकत्र। बहुत सिंपल सा आंसर, इसका आंसर सी होगा,
अनेकता। चलिए आगे चलते हैं, लिंग बदलिए। अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होगा? अध्यापन, अध्ययन, अध्यापिका और अध्यावनशील। बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका आंसर सी, अध्यापिका होगा। मुहावरे का क्वेश्चन नंबर 13, मुहावरे का अर्थ लिखिए। उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना हम अपनी रियल लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। तो ए ऑप्शन है गंगा के साथ बहना, ऑप्शन बी है गंगा के विपरीत दिशा में जाना, ऑप्शन सी है विपरीत काम करना, और ऑप्शन डी है अनुकूल काम करना। तो उल्टी गंगा बहाना यानी विपरीत काम करना, उल्टा काम करना, रॉन्ग काम करना, रॉन्ग वे में काम करना, तो ऑप्शन सी इसका सही है। अगला है भविष्य काल में बदलना यानी फ्यूचर टेंस में बदलना है। बच्ची रो रही है, ऑप्शन ए बच्ची रोती थी, ऑप्शन बी बच्ची रोती है, ऑप्शन सी बच्ची रो रही है, और ऑप्शन डी बच्ची रो रही होगी। तो हमने पढ़ा है बचपन में भविष्य का गा है, गे है, गी है, वर्तमान का रहा है, रहे हैं, रही है, पास्ट का भूत का था, थे, थी। तो इसका ऑप्शन डी सही है, बच्ची रो रही होगी। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 संधि विच्छेद कीजिए। पुष्पांजलि, ऑप्शन ए इसको हमें संधि विच्छेद करना है, अलग अलग करना है। पुष्प प्लस अंजलि, पुष्पा प्लस अंजलि, पुष्प जमा अंजलि, और डी पुष्प जमा अंजलि। तो इसका ऑप्शन ए पुष्प प्लस अंजलि होगा। क्वेश्चन नंबर 16 विलोम शब्द लिखिए। धनी का विलोम उल्टा हमें अपोजिट वर्ड लिखना है। ए ऋण, बी दरिद्र, सी लोभी, डी ऋणदार। धनी यानी होता है अमीर और ऋणदार होता है कर्जदार, ठीक है, और वो गरीब होता है, हमें कभी ऋण नहीं लेना चाहिए। तो इसका ऑप्शन होगा डी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 वाक्य शुद्ध कीजिए। मेले में बच्चा खो गया, ये अशुद्ध वाक्य है। मेले में बच्चा खो गया, हमें शुद्ध करना है। ए बच्चा मेले में खो गया, पहला ही सही लग रहा है, बच्चा खो गया मेले, तो गलत। बच्चा गया खो मेले, गलत। बच्चा पर मेले, गलत। ऑप्शन ए है इसका सही, बच्चा मेले में खो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हल्का सा कठिन है। दिए गए वाक्य में कुछ त्रुटि या त्रुटि के बिना है। इनमें कुछ वाक्य हैं आ, बा, सा और दा। तो हमें बताना है इनमें से कुछ वाक्य हैं जिनमें गलतियां नहीं हैं, कुछ है जिनमें गलतियां हैं, तो हमें बताना है। आ है रोज़ सुबह, बा है व्यायाम करने से, सा है स्वस्थ बिगड़ता है, और दा है कोई त्रुटि नहीं। तो दोस्तों मुझे इसका आंसर सा लग रहा है, क्योंकि व्यायाम करने से स्वास्थ्य नहीं बिगड़ता, व्यायाम करने से स्वास्थ्य और अच्छा होता है, स्वास्थ्य निखरता है। तो सी इसका आंसर है। चलिए वचन बदलिए। आत्मा का ए आरंभ, आत्मन, आत्मिकता और आत्माएं। तो इसका आंसर डी होगा, आत्माएं, ठीक है, इसका ऑप्शन डी होगा, आत्माएं। चलिए आगे चलते हैं। भूतकाल में बदलिए। माँ रोती है, भूतकाल यानी पास्ट में, माँ रोएगी, अच्छा माँ सोती है लिखा है, माँ सोएगी, माँ सोती थी, इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों अब पैसेज आए, पैसेज की बारी। तो दोस्तों पैसेज कई लोग मैंने देखा है अपने, मैंने जब मैं भी स्कूल में था मैंने भी देखा था, कई लोग पैसेज गलत तरीके से सॉल्व करते हैं। दोस्तों पैसेज सॉल्व यानी अंतिम पैसेज सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है, लोग पहले पढ़ते हैं फिर जवाब देते हैं, इसका गलत तरीका है, इसका उल्टा करना चाहिए हमें। पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना चाहिए और फिर
इसका जवाब देना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन के वर्ड जैसे हमें प्रेम के कितने रूप हैं, तो हमें इसको याद रख लेना है, प्रेम के कितने रूप हैं हमें ये ढूंढना है, यही लाइन ढूंढनी है। इससे हमारा टाइम सेव होता है दोस्तों, पहले पढ़ोगे और फिर क्वेश्चन दोगे फिर पढ़ोगे, तो इससे टाइम वेस्ट होता है। तो पहला क्वेश्चन है 21, प्रेम के कितने रूप होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। आज समाज में अपराध और बुराइयाँ दिखाई देती हैं, नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, हर व्यक्ति स्वार्थ से घिरा है, उसका मूल कारण प्रेम का ना होना है, हिंसा द्वंद्व वैमनस्य शत्रुता आदि विकारों का उद्भव भी प्रेम का अभाव ही है ही होता है। प्रेम सुखी जीवन का आधार है, प्रेम के अनेक रूप होते हैं। दोस्तों आ गया, प्रेम के कितने रूप होते हैं, प्रेम के अनेक रूप होते हैं। मात्र प्रेम, पारिवारिक प्रेम, ईश्वर प्रेम, देश प्रेम आदि। तो दोस्तों क्वेश्चन है मात्र प्रेम, परिवार प्रेम, ईश्वर प्रेम और डी, ए बी सी और डी। तो दोस्तों इसका आंसर पहले का डी है। चलिए आगे चलते हैं। आतंकवाद को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, मित्रता की भावना जगाना चाहिए, लोगों को शिक्षित करना चाहिए, पारिवारिक संबंध बढ़ाना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना जगाना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों इस सेकंड पैराग्राफ में होगा, किसी समस्या को हल भी प्रेम से ही निकल जा सकता है, क्रोध या झगड़े से नहीं। समाज में फैली सांप्रदायिकता, भेदभाव, द्वंद्वसत्ता, आतंकवादी आदि को यदि मिटाना है तो पहले लोगों को एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न करना चाहिए। दोस्तों मिल गया इसका आंसर, इसका आंसर है डी। 22 का आंसर है डी, एक दूसरे के प्रति भावना, प्रेम की भावना जगानी चाहिए। चलिए देखते हैं 23। इस अवतरण का एक उचित उचित शीर्षक देना है। दोस्तों ये पूरा ही पैराग्राफ, पूरा ही अंतिम पैसेज प्रेम के ऊपर है, प्रेम की इम्पोर्टेंस बता रहा है। चलिए देखते हैं। ए, प्रेम, प्रेम की आवश्यकता, प्रेम व्यवहार, प्रेम का महत्व। तो दोस्तों प्रेम का महत्व, प्रेम की इम्पोर्टेंस, ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा। ये हमें ये पैसेज में तो मिलेगा नहीं, इसको हमें खुद समझना होगा, अपने कॉग्निटिव की वजह से, अपने इंटेलिजेंस की वजह से देना पड़ेगा हमें इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। दो समुदाय और दो राष्ट्र को कौन सी भावना जोड़ सकती है। दोस्तों अब तो मुझे पैसेज पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। व्यापार को बढ़ाने की भावना, नहीं, व्यापार से तो। कला के विनिमय की भावना, बंधुत्व की भावना, प्रेम प्रेम की भावना, इसका आंसर डी होगा, विदाउट सीइंग अ पैसेज। क्वेश्चन नंबर 15, 25 का क्या होगा। समाज में होने वाले अपराध और नैतिक मूल्य का पतन का मूल कारण क्या है। आपसी शत्रुता ए, प्रेम का अभाव बी, आपसी द्वेष सी, घृणा की भावना। तो इसका आंसर बी, प्रेम का अभाव ही है। प्रेम कम होने से समाज में अपराध फैलता है जो कि नहीं होना चाहिए। लास्ट है, नहीं लास्ट भी बता दिया है। दोस्तों यहाँ वीडियो ख़त्म होती है। धन्यवाद हम लोगों की वीडियो देखने के लिए, मेरी वीडियो देखने के लिए। ये नया यूट्यूब चैनल है तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए। दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिए कीजिए ताकि हमें और मोटिवेशन मिले, और मैं और वीडियो ऐसे ही बनाता रहूँगा और बनाऊँगा। और अपना प्यार दीजिए। और बिग बॉस में रुबीना दिलेक जीत चुकी है, आई एम हैप्पी। बट अगर राहुल जीतता तो मैं ज़्यादा खुश होता, क्योंकि मेरा फेवरेट है। तो दोस्तों चलिए सो जाइए, धन्यवाद।